जय जी, स्वागत है आपका शो पे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून लवली लवजीत, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस शो। ठीक है। जय पुरोहित जी, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ में हैं। और जय जी, आज जिस तरीके का बाजार है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या लगता है, और आप आज, अगर मैं सही हूं तो आप कि जो पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट थी, जो कि ठीक उसी पे यूएस डॉलर इंडेक्स पे थी, क्या चीजें उसी हिसाब से होती हुई दिख रही हैं और आगे किस तरीके का ट्रेंड देखने हैं सर बाजार में? जी डेफिनेटली, जैसा कि आपको बताया कि लगभग 103 के करीब जब था डॉलर इंडेक्स, तब हम लोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पे डॉलर इंडेक्स एक मेजर ब्रेकआउट दे रहा था और वीकली और मंथली चार्ट में ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट था और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो अभी भी कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। ये पांचवा हफ्ता है जहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑनगोइंग मोमेंटम है वो और कंटिन्यू होना चाहिए। और इनफैक्ट आज के दिन में देखे तो यूएसडी आईएनआर ने भी मेजर ब्रेकआउट दे दिया है। ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है, 77.40 के ऊपर स्पॉट लेवल में सस्टेन कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से और बाउंस बैक पॉसिबल है। और जो फैक्टर्स है वो भी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर में और यहाँ से तेजी बननी चाहिए। फेड ने 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक ऑलरेडी कर दिया है, टेंशन अभी तक बने हुए हैं रशिया यूक्रेन का। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो जीबीपी और यूरो में अच्छी खासी गिरावट आई है लास्ट कुछ हफ्तों में, तो वो डॉलर इंडेक्स में जो तेजी का रुख है उसको कंटिन्यू कर रहा है। और यूएसडी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर काफी टाइम से इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाया नहीं था, रुपी इतना पिछला नहीं था और कहीं ना कहीं पे आरबीआई उसको मैनेज कर रहा था। बट अभी कुछ जो फैक्टर्स है, जैसे कि डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी ऊपर है, उसके साथ में क्रूड भी फिर से ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अभी एमसीएक्स में देखेंगे तो 8400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर यूएसडी आईएनआर में भी यहाँ से और मोमेंटम रहना चाहिए। और आने वाले एक से दो हफ्तों में हम लोग 78 के ऊपर तक के लेवल्स भी देख सकते। ये है राइट यूएस डॉलर इंडेक्स पे। और सर, इसका असर फिर हम किस तरीके से देखें अपने इक्विटी के बाजारों पे, किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है फिर? कितनी वोलेटिलिटी और रह सकती है या कितनी गिरावट और आ सकती है? देखिए, इक्विटी में जैसा कि इनवर्स कोरिलेशन है तो गिरावट और हावी हो सकता है। और हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ से और करेक्शन बढ़ सकता है। बट ओवरऑल जो एफआईएस का सेलिंग है वो जब तक नहीं रुकता है तब तक इक्विटी में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा। और साथ ही साथ जो यूएसडी आईएनआर है वहां पे भी एक बाउंस बैक का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो ये राय है। ठीक है, इस हिसाब से हमें दोनों चीजें जो एन जी ने बता दी कि किस तरीके से यूएस डॉलर इंडेक्स वो किस तरीके से असर डाल रहा है और किस तरीके से क्रूड ऑयल। सर, इसके अलावा कोई ऐसे और कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या किसी खबर पे नजर रखनी हमें होगी जिससे कि हमें पता चलेगा कि बाजार में किस तरीके का डायरेक्शन हो सकता है, या कोई और वॉलिटिलिटी के लिए कोई फैक्टर? देखिए, दो तीन फैक्टर्स है जो अभी कमोडिटी मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है, और जैसा कि न्यूज अभी चल रही है, यूरोप ने रशिया के ऊपर बैन लगा दिया, सैंक्शंस लगा रहा है क्रूड इंपोर्ट को लेके। यूएस ऑलरेडी सैंक्शन लगा चुका है। सो ये जो फैक्टर्स है उसकी वजह से क्रूड ऑयल लास्ट दो तीन हफ्ते में अच्छा खासा उछाल दिखाया है क्रूड ने। और अभी का भी जो मार्केट है वहां पे लग रहा है कि 8200 का एमसीएक्स में क्रूड ऑयल के लिए एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक फिर से आना चाहिए जो क्रूड ऑयल फ्यूचर को लगभग 8700 तक ले जा सकता है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर भी लास्ट 3-4 हफ्ते से कंटिन्यूस नीचे ही आ रहे हैं, और जब तक ये नीचे आ रहे हैं तब तक इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर और रहेगा। डॉलर इंडेक्स ऊपर है उसकी वजह से भी गोल्ड में सेलिंग प्रेशर है। और जो अभी इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रहा है उसका भी इतना मेजर इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइसेस में नहीं हो रहा है, बिकॉज जो दूसरे फैक्टर्स है वो ज्यादा हावी है। तो कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि एकदम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ा सा मंदी रह सकता है। हम लोग गोल्ड में लगभग
50,600 तक का करेक्शन देख सकते हैं, जबकि सिल्वर लगभग 61,000 तक करेक्ट हो सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखे या लॉन्ग टर्म जो डेटा है, जो सिनेरियो है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 50,000-50,500 ये गोल्ड के लिए बहुत मेजर सपोर्ट है और यहाँ से एक बाइंग जरूर बननी चाहिए जो गोल्ड को लगभग 53,500 से 54,000 तक फिर से ले जा सकता है। ये है बुलियन पे भी राय। तो हमने सारी चीजें सर से समझ ली है किस तरीके से शॉर्ट टर्म में क्या नजरिया है और लॉन्ग टर्म में क्या नजरिया है, और इसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी क्योंकि मुनाफे के लिए कहीं ना कहीं मौके निकलते रहते हैं। किस तरीके से निवेश करना, किस तरीके से ट्रेड करना, ये सारी जानकारी एक्सपर्ट से, और जय पुरोहित जी से बढ़िया एक्सपर्ट कहाँ मिलेगा, हमें जय फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आते हैं। जय जी, बहुत धन्यवाद सर आज आप हमारे साथ में जुड़े पहली बार, और उम्मीद करेंगे कि आप हमें बराबर समय देते रहेंगे वीकली बेसिस पे, और आपसे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि बाजारों में किस तरीके से काम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर।